नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और सिटी सेंटर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इंदौर से बड़ी जानकारी, जहां एक अस्पताल में 90 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। एचआर एग्जीक्यूटिव वैभव पोरे पर हेराफेरी का आरोप लगा है। 200 फर्जी कर्मचारियों के नाम पर निकाले लाखों रुपए। अक्टूबर 2023 से नवम्बर 2024 के बीच फर्जीवाड़ा तो वहीं फर्जी कर्मचारियों के नाम पर निकाला गया वेतन। एचआर ने गर्लफ्रेंड पर 8 लाख रुपए किए हैं खर्च। बाणगंगा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। अस्पताल में 90 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। एचआर एग्जीक्यूटिव वैभव पोरे पर हेराफेरी का आरोप लगा है। 200 फर्जी कर्मचारियों के नाम पर लाखों रुपए निकाले गए। अक्टूबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच फर्जीवाड़ा होने की जानकारी सामने आई है। तो वहीं फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकाला गया। एचआर ने गर्लफ्रेंड पर 8 लाख रुपए खर्च किए, ये जानकारी अब तक की सामने आई है। बाणगंगा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसमें अरविंदो हॉस्पिटल के जो एचआर है वैभव पोरे, उनके द्वारा, जो कि एचआर एग्जीक्यूटिव है, उनके द्वारा अपने मित्र हिमांशु के साथ मिलकर एक जनवरी से लेकर नवंबर तक कुछ एम्प्लॉय ऐसे दिखाए गए जो एम्प्लॉय वास्तविकता में थे ही नहीं, और उनकी राशि ले ली गई। तो उसमें लगभग 90 लाख का उनके साथ फ्रॉड हुआ। तो कुल मिलाकर 90 लाख की राशि का उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। धोखाधड़ी विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर बड़ंगा थाने में इन्वेस्टिगेशन लिया गया। आरोपियों की तलाश जारी, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तनुश्री देसाई हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, 90 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला है, आखिर ये मामला क्या कुछ? देखिए, ये एक साल से हेराफेरी चल रही थी। जब हॉस्पिटल प्रबंधक को शक हुआ, जहाँ जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और जितनी सैलरी बांटी जा रही है, उसके बीच में जब उनको लगा कुछ गड़बड़ है, ये इसकी तालमेल नहीं मिल रही है, तब उन्होंने अपनी ऑडिट चेक किए। ऑडिट में पता चला 200 ऐसे कर्मचारी पाए गए जिनका कोई अस्तित्व नहीं है अस्पताल में, ना ही वो वहाँ पे काम करते हैं और ना ही वो कभी उस अस्पताल में आए हैं। यहाँ के एचआर एग्जीक्यूटिव जो है, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हेराफेरी करी। इनके दो दोस्त और थे जो अस्पताल में नियमित आते थे और यहाँ पर आके इन 200 कर्मचारियों की अटेंडेंस लगा के जाते थे, जिससे किसी को भी शक ना हो। एक साल चला है ये हेराफेरी का मामला, जिसमें 90 लाख रुपए जो है हेराफेरी में पाए गए हैं। इसके अलावा जो पैसे निकाले गए थे, वो पैसे एचआर एग्जीक्यूटिव अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ अपने रिश्तेदारों के खाते में जमा करते थे। ये भी जानकारी मिली है कि जो पैसे रिश्तेदारों के खाते में जमा होते थे, उसमें से आधा पैसा बाद में वो अपने पास रखकर उसको इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद ये भी एक सवाल बनता है कि आखिर पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए गए, क्योंकि साल भर के अंदर ही ये पूरा कार्य हुआ है, और अब इस पर कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है? बिल्कुल, अस्पताल जैसे ही अस्पताल प्रबंधक को इस व्यक्ति पर शक हुआ, जब उनको ऑडिट चेक किए, जब उन्हें पता चला कि हेराफेरी का मामला सामने आया है, तब उन्होंने तत्काल बाणगंगा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। हालांकि कार्रवाई जारी है, अभी तक किसी को जो है गिरफ्तार नहीं किया गया है। लगातार डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, अस्पताल के डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। इसके साथ जितने भी अकाउंट्स में ये पैसे ट्रांसफर किए गए, वो अकाउंट्स भी चेक किए जा रहे हैं, और जिन भी लोगों के अकाउंट्स हैं, उनसे भी जो है वो बातचीत की जा रही है, और जल्द, आशा करते हैं, जल्द गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल, आखिर और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, किनका किनका नाम सामने आया अब तक? एक एचआर एग्जीक्यूटिव जो है वो मुख्य आरोपी है इसमें। इसके अलावा उनके दो और दोस्त है, नाम अभी उनके कुछ कंफर्म नहीं है। हालांकि दो और दोस्त है जो लगातार अस्पताल में आते थे, तो ऐसे बोल सकते हैं कुल तीन लोग थे जो इस फर्जीवाड़े में शामिल। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का नाम अब सामने आया है, जल्द ही कार्रवाई के बाद फिर इनकी गिरफ्तारी होगी। बहरहाल, बहुत शुक्रिया तनुश्री तमाम जानकारी देने के लिए। मैं आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर के, जहां बिटकॉइन घोटाले के आरोपी गौरव मेहता के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। बीजेपी ने एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले पर घोटाले का आरोप लगाया था। तो वहीं बीजेपी ने बातचीत का एक स्क्रीनशॉट जारी किया था।
बताते चले कि गौरव मेहता और एक कंसल्टेंसी के लिए काम करते हैं जो पुणे पुलिस को अमित भारद्वाज के 6600 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी घोटाले की जांच में मदद कर रही थी। वहीं कल पूर्व आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल ने दावा किया था कि गौरव मेहता से सुप्रिया सुले और नाना पटोले ने संपर्क किया था और चुनाव में उपयोग के लिए घोटाले में बिटकॉइन नकद की मांग की थी, जिसके बाद आज गौरव मेहता के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है।